कैसे हो भैया? बस बहन, सब अच्छा है। बस माँ की थोड़ी तबीयत खराब है कुछ दिनों से। नजदीक के ही डॉक्टर ने बताया इन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। बस यही सोच रहा था कि अस्पताल में भर्ती करने और इलाज के पैसे का इंतजाम कैसे करूँगा। अरे तो आपने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PMJ के बारे में नहीं सुना क्या? इस स्कीम के तहत आप किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल जो कि PMJ के अंदर सूचीबद्ध है, उसमें अपनी माँ या परिवार के किसी भी सदस्य को 5 लाख तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त में करा सकते हो। अच्छा, वो कैसे? बस आपको अस्पताल में अपने परिवार की पहचान के लिए राशन कार्ड या कोई अन्य सरकारी आईडी दिखाना होगा। यदि आप आधार कार्ड लेकर जाते हैं तो आपकी पहचान बायोमेट्रिक यानी कि आपके अंगूठे या उंगलियों की पहचान से की जाएगी। लेकिन बेटा, हमें ऐसे अस्पताल के बारे में पता कैसे चलेगा जो कि इस योजना के अंतर्गत आता हो? अरे बाऊजी, ये तो बहुत ही आसान है। आपको बस 14555 पे फोन करना है और वो आपको आपके घर के पास के अस्पताल के बारे में बता देंगे। फोन करने का पैसा भी नहीं लगेगा। और हाँ, एक बात और, ये योजना सिर्फ हमारे गांव में नहीं बल्कि पूरे देश में गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए लागू की गई है। अरे वाह, ये तो बड़ा ही बढ़िया काम किया है प्रधानमंत्री जी ने। अब हम गरीबों को अस्पताल के खर्चों की कोई चिंता नहीं। कुछ दिन बाद, राखी देखो, प्रधानमंत्री जी का एक पत्र आया है मेरे नाम का। कहते हैं कि हमारा नाम PMJ सूची में आ गया है। और देखो, पत्र में ही ये कार्ड भी भेजा है जो हम माँ को भर्ती कराते वक्त अस्पताल में दिखा सकते हैं। ये तो बड़ा अच्छा रहेगा। अब हमें अपनी जमीन और मवेशी को भी गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। चलो अब जल्दी से इस दिए गए नंबर पर फोन करके अपने नजदीकी अस्पताल का पता लगाते हैं जो इस योजना में सूचीबद्ध है। हाँ, फोन वाली मैडम ने सही कहा था। चलो अंदर चलते हैं। देखो, शायद वहाँ जाके ये पत्र दिखाना होगा। हाँ चलो। नमस्कार भाई साहब। भैया, हमको अपनी माँ का इलाज यहाँ कराना है। ये रहा प्रधानमंत्री जी का पत्र। पहले मुझे आपकी पात्रता चेक करनी होगी और आपकी पहचान भी करनी होगी। PMAM पत्र को उसकी आईडी से वेरीफाई करता है और सुरेश को बताता है कि ये वेरिफिकेशन मोबाइल नंबर, नाम, राशन कार्ड नंबर से भी किया जा सकता है और यदि आधार कार्ड हो तो पहचान बायोमेट्रिक यानी कि अंगूठे या उंगलियों की पहचान से भी की जा सकती है। फिर PMAM यूनिक फैमिली आईडी जो कि प्रधानमंत्री जी के खत में दी गई थी से उनके रिश्ते के बारे में पता लगाता है। भैया, मैंने आपकी सारी जानकारी राज्य स्वास्थ्य विभाग भेज दी है। अब आपको बस उनकी अनुमति का इंतजार करना होगा जो कि आधे घंटे में ही आ जाएगी। जब तक आप इंतजार कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि आपके परिवार को 5 लाख रुपए तक का सालाना स्वास्थ्य सुरक्षा कवच मिलेगा जो कि परिवार के किसी भी सदस्य के अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये लाभ पूरे देश के किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में मिल सकता है। क्या सदस्यों की संख्या पर कोई प्रतिबंध है? नहीं भाई, परिवार के सदस्यों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अगर आपके यहाँ कोई संतान होगी तो वो भी इस योजना की पात्र हो जाएंगी। ये रहो, आपके लिए राज्य स्वास्थ्य विभाग की अनुमति आ गई। अब आपकी पहचान पूरी हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कहाँ जाना है। सुरेश, मुझे लगता है कि हमें आपकी माँ की बाईपास सर्जरी करनी होगी जो कि थोड़ी महंगी हो सकती है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। आपकी माँ का इलाज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त में हो जाएगा। एक बार आप आरोग्य मित्र से मिल लीजिए। PMAM ट्रांजैक्शन सॉफ्टवेयर में एंट्री करता है। डॉक्टर के द्वारा बताया गया पैकेज सुरेश की माँ के इलाज के लिए ब्लॉक कर देता है। फिर वो ये इन्फॉर्मेशन प्री ऑथराइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर के जरिए राज्य स्वास्थ्य समिति को भेजता है। प्री ऑथराइजेशन आते ही सुरेश की मां को अस्पताल में एडमिट कर लिया जाता है। सुरेश की मां की सीनियर डॉक्टरों द्वारा बाईपास सर्जरी की जाती है और उनकी सेहत की निगरानी के लिए
कुछ दिन और अस्पताल में रखा जाता है। सुरेश पीएमएएम के पास अपनी माँ के अस्पताल से छुट्टी की प्रक्रिया के लिए जाता है। धन्यवाद भैया, अब हमारी माँ एकदम स्वस्थ हो गई हैं। अरे भैया, धन्यवाद तो प्रधानमंत्री जी का करो जो गरीबों के लिए इतनी अच्छी योजना लाए हैं। और हाँ, ये लो कुछ दवाइयाँ अपनी माँ के लिए जो इन्हें अगले 15 दिनों तक लेनी है, ये भी योजना का ही हिस्सा है। हेलो, नमस्कार जी, हमारी माँ बिल्कुल ठीक है। हाँ, हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा। देखा माँ, सिर्फ मुफ्त इलाज ही नहीं बल्कि इलाज के बाद फोन करके हमसे हमारा अनुभव भी पूछा जाता है। ये योजना तो भगवान का वरदान बनकर आई है हम गरीबों के लिए। Thank you.